हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। और चैप्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेन या फिर जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम लोग अदर कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को इसमें कवर करेंगे बाइनोमियल चैप्टर्स, बाइनोमियल थ्योरम में। तो सबसे वेरी फर्स्ट थिंग्स है जो हम लोग कुछ फॉर्मूले ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में हम लोग पढ़े हुए हैं उसको एक बार हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम लोग इसको रीच करेंगे बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग को ए प्लस बी का होल पावर करना होता है, अच्छा उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बाइनोमियल मीन्स होता क्या है। तो बाई मीन्स होता है टू, राइट, टू। और नोमियल मीन्स होता है टर्म, राइट। नोमियल मीन्स क्या हो गया, टर्म्स। तो एक्चुअली ये जो थ्योरम्स हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, टू टर्म्स के लिए देखने वाले हैं स्पेशली हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे समझो हमारे पास दो टर्म है ए प्लस बी। जैसे देखो, अगर आपके पास पॉलिनोमियल कहीं पे मिल जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है प्लस वन, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली कितने टर्म्स नज़र आ रहे हैं, थ्री टर्म्स नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हमने सिर्फ बोला नहीं एक्स प्लस वन, अगर कोई पॉलिनोमियल बोले तो यहाँ देखो कितना टर्म्स नज़र आ रहा है, टू टर्म्स नज़र आ रहा है ना। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3x प्लस एक्स, तो देखो एक्चुअली दिख रहा है कि दोनों अलग अलग है, लेकिन एक्चुअली सिमिलर थिंग्स हैं, है ना। 3x और x जो है ऐड होके क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो एक्चुअली ये कितने टर्म्स हैं, सिंगल टर्म है यहाँ पे, है ना, सिंगल टर्म है, ये ध्यान रखना है। तो हमारा ये थ्योरम जो चैप्टर है वो कितने के लिए है, टू टर्म्स के लिए, राइट। इससे आगे भी मल्टीनोमियल थ्योरम भी देखेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले उससे पहले कवर कर लेते हैं दैट इज क्या, बाइनोमियल, राइट। चलो तो हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी का होल पावर अगर हमें करना होता था होल पावर टू, तो देखो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस क्या, बी स्क्वायर, राइट। अच्छा, अगर एक और फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा ए प्लस बी का होल क्यूब, याद कीजिए। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस क्या, थ्री ए बी स्क्वायर प्लस क्या, बी क्यूब, है ना। चलो देखो नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें ए माइनस बी का अगर होल क्यूब हम लोग कर दें तो क्या गेट करेंगे, देखो तो हम लोग याद भी देखते हैं क्या कि ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी रिमेम्बर रखा होगा। देखो थ्री ए बी स्क्वायर माइनस क्या, बी क्यूब, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, जहाँ पे b के साथ माइनस है वहाँ पे देखो क्या जा रहा है, नेगेटिव साइन आ जा रहा है, फिर यहाँ देखो पॉजिटिव, फिर क्या, नेगेटिव। तो यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें क्या है, देखो k प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हो रहा है तो a का स्क्वायर, देखो a का जो पावर है वो मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ टू से, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। देखो नेक्स्ट टर्म में जब हम लोग देख रहे हैं तो a का पावर यहाँ टू है, तो यहाँ a का पावर वन लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म में देखें तो a का पावर क्या लिख रहे हैं, जीरो, है ना। अच्छा देखो b का पावर क्या हो रहा है, यहाँ पे b का पावर जीरो है, b का पावर जीरो मीन्स क्या हो गया डियर स्टूडेंट, वन हो गया, राइट। और देखो b का पावर वन फिर कहाँ तक गया, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, टू तक जा रहा है, ठीक है। तो जो पावर है वहीं तक जा रहा है और वहीं पे एंड हो जा रहा है, स्टार्ट a का टू से हुआ और जीरो पे जाके एंड हो गया, b का जीरो से स्टार्ट हुआ टू पे एंड हो गया। तो जो हमारा इंडेक्स है, पावर है, उस पर जाके ख़त्म हो जा रहा है और a का वहीं से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सिमिलरली हम लोग अगर देखें ए प्लस बी का होल क्यूब में, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। देखो ए का मैक्सिमम पावर दैट इज थ्री से स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ नेक्स्ट टर्म में देखो टू हो गया, बाई वन यूनिट सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर बाई वन यूनिट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है और ए का पावर वन हो रहा है, फिर ए का पावर क्या, जीरो। नेक्स्ट वन देखो बी का पावर यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ, बी का पावर कहाँ तक जा रहा है, थ्री तक जा रहा है। और अगर हम लोग निगेटिव जब कर देते हैं, देखो क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ b के साथ, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ a प्लस बी लिए थे, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इसको, तो हम लोग ए प्लस माइनस बी का पावर क्या लिख सकते हैं, होल क्यूब लिख सकते हैं, राइट। तो जहाँ जहाँ पे माइनस बी मीन्स निगेटिव माइनस बी का पावर ऑड आ रहा था वहाँ पे निगेटिव हो जा रहा है। देखो यहाँ पे पावर ऑड था, b का पावर वन है ऑड है, तो यहाँ पे माइनस आ जा रहा है, यहाँ पे इवन है वहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्लस, फिर क्या, माइनस। चलो इसको तो हम लोग ऑब्जर्व कर लिए, और एक चीज़ और देख रहे हैं हम लोग क्या, कि जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है, जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा आ रहा है एक्सपेंशन में, जब हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, है ना, ये आपको देखो ब्रीफ में लिखा हुआ है, छोटे रूप में लिखा हुआ है, और हम लोग जब इसको एक बड़ा रूप दिए, है ना, एक्सपेंशन किए, तो हमारे पास कितने टर्म्स आ जा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो इस एक्सपेंशन में कितना हो रहा है,
देखो पावर से जस्ट एक ज़्यादा है, देखो है ना, ऑब्जर्व अगर आप करो तो 3+1 दैट इज कितना 4 हो जा रहा है, राइट। यहाँ पे देखो हमारे पास 2 टर्म्स हैं, हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक ज़्यादा कब होगा, 1 मोर देन 1 कब हो रहा है, देखो जब हमारे पास यहाँ 2 टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास 2 टर्म्स यानी बाई टर्म्स बाइनोमियल, राइट, तो वहीं से ये जुड़ा हुआ है, 2 टर्म्स है और फिर पावर जो भी है ना, पावर हमेशा किस टाइप का होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग जो भी अभी देखने वाले हैं वो सिर्फ किसके लिए, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स मीन्स पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेटिव के लिए भी कैसे हम लोग करना है, कैसे हम लोग पास कुछ रिक्वायर्ड फॉर्मूले होंगे जिससे हम लोग के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलो तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थिंग्स क्या, हम लोग देख लिए कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो रहा है, डियर स्टूडेंट जस्ट एक ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो देखो अगर मान लेते हैं आपको कुछ ऐसा मिल जाए, जैसे अगर आपको दे दिया गया कल की डेट में x प्लस वाई का पावर अगर हम लोग 10 करते हैं तो बताओ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा इस एक्सपेंशन में। तो देखो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्टली बता सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, बस आपको पावर चेक करना है, पावर कितना है 10 है तो 10 में कितना ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 11 टर्म्स हो जाएगा, राइट। इस तरह से हम लोग गेट करेंगे, ओके। चलो एक दो और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा क्या, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या फॉर्मूले जरूरत हैं इस चैप्टर्स के लिए, ठीक है, बहुत सी नेसेसरी थिंग्स है, वो सब चीज़ें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो कुछ कुछ फैक्टोरियल नोटेशन का रिक्वायरमेंट होगा इस चैप्टर को डील करने के लिए, तो हम लोग रीच करते हैं क्या, फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या है और हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं और ये सब चीज़ें इस चैप्टर्स के लिए बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल नोटेशन में क्या है, सबसे वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज एन फैक्टोरियल, इसको पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ेंगे, एन फैक्टोरियल या फिर क्या फैक्टोरियल एन भी पढ़ा जाता है या एन फैक्टोरियल भी बोलेंगे, ठीक है। इसका दूसरा भी साइन है, कैसा, इस टाइप का साइन भी होता है, ठीक है, फैक्टोरियल का। ये हो गया क्या पढ़ेंगे इसको, एन फैक्टोरियल पढ़ना है, एन फैक्टोरियल या फिर क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल एन पढ़ेंगे, ठीक है, फैक्टोरियल एन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल एन एक्चुअली होता क्या है। तो फैक्टोरियल एन होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल एन बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल हम लोग समझते हैं इसका क्या मतलब हो गया। जैसे देखो अगर हमारे पास अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, इसको क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, 5 फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल 5, है ना। और देखो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5, 1 से आपको रीच करना कहाँ तक, 5 तक, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग इसको अगर मैं पलट दूँ, नहीं बोले कि नहीं चलो भाई हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिवर्स में चलेंगे, 5 से स्टार्ट किए फिर 4 लिख दिए, 3 × 2 × 1, तो दोनों चीज़ें एक ही है, बस ऑर्डर क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। हम लोग जानते हैं मल्टीप्लीकेशन में सारी चीज़ें क्या होता है, कमोटेटिव होता है, किसमें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स या कोई सा भी रियल नंबर्स भी अगर हम लोग ले तो हमेशा कमोटेटिव होता है, राइट। तो कमोटेटिव नेचर होने की वजह से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि 5 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 को हम लोग बोल सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखो हमारे पास 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 5 × 4 20 20 × 3 60 16 × 2 = 120, राइट। अब देखो अगर मुझे 4 फैक्टोरियल गेट करना हो तो क्या बोलेंगे, क्या फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी 1 से लेके 4 तक जितने भी नंबर्स नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उसको आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो हम लोग क्या गेट करेंगे, 4 × 3 = 12 × 2 दैट इज कितना 24, राइट। नेक्स्ट थिंग्स देखो अगर हम लोग 3 फैक्टोरियल लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 1, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना, 1 से 3 तक मल्टीप्लाई करते जाओ,
नेचुरल नंबर्स को, या फिर थ्री से हम लोग घटते जाएंगे अगर उल्टा डायरेक्शन में, थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये भी सही है, थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट थिंग्स आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल का क्या वैल्यू याद रखना है आपको, वन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, हम इसको यूज करेंगे इस चैप्टर्स में, जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन। चलो नेक्स्ट थिंग्स, अब हम लोग आगे रीच करते हैं थोड़ा सा, इसमें कुछ कुछ और फॉर्मूले में ऑब्जर्व करना होगा, को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आप खुद ब खुद आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो कि देखो अगर आपको मान लेते हैं सेवन फैक्टोरियल गेट करना है तो क्या लिखेंगे, एट फैक्टोरियल क्या होगा, नाइन फैक्टोरियल क्या होगा, टेन फैक्टोरियल क्या होगा, यहाँ तक आपको रिमेंबर करके थोड़ा सा रखना पड़ेगा वैल्यू को। ठीक है, तो सेवन फैक्टोरियल के लिए बस कुछ नहीं करना है, सेवन फैक्टोरियल के क्या करेंगे देखो, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। देखो हमारे पास यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, देखो सिक्स फैक्टोरियल हमारे पास नहीं आया था, चलो कोई बात नहीं, फाइव फैक्टोरियल देखो हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं, देखो फाइव फैक्टोरियल में यही चीज़ तो था, है ना, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, यहाँ भी वही आ रहा है, देखो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, सेवन इंटू सिक्स इंटू क्या, वन ट्वेंटी, क्या रहेगा। अब देखो फर्दर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सेवन इंटू सिक्स दैट इज फोर्टी टू इंटू वन ट्वेंटी, अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर, फोर आ गया, टू कैरी बच गया, ट्वेल्व फोर या फोर्टी एट प्लस टू दैट इज कितना, फिफ्टी हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग सारी चीज़ें गेट कर लेंगे। ठीक है, ये आप अपने प्रैक्टिस के लिए एक दो वैल्यूज आप खुद ब खुद फैक्टोरियल्स का वैल्यू कैलकुलेट करके देखें। ओके, चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। तो हमारे पास नेक्स्ट थिंग्स क्या है, द नेक्स्ट थिंग्स हमारे पास क्या है कि अगर फैक्टोरियल नोटेशन में अगर आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा ईजी करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन को अपना ईजी कैसे करेंगे हम लोग, है ना, इतना काम आपको नहीं करना हर बार इतना मल्टीप्लीकेशन लिखते जाएंगे बार बार, तो वो सारी चीज़ें हमारा क्या होगा कि टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होगा, तो हमें उसको दूर करना है। तो कैसे कर पाएंगे डियर स्टूडेंट, देखो हमारे पास क्या है कि जब हम लोग सिक्स फैक्टोरियल लिख रहे थे तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन बोलेंगे, है ना, राइट। लेकिन देखो हमारे पास क्या है, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें, एक्चुअली ये क्या है, फाइव फैक्टोरियल है। देख लो अगर वन से लेके फाइव तक नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं और आपस में बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फॉर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल का, इसको हम लोग फाइव फैक्टोरियल बोलते हैं, है ना। तो सिक्स फैक्टोरियल का हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कोई भी फैक्टोरियल लिखेंगे तो अगर हम लोग वन तक अगर मुझे जाना है और बाय वन यूनिट हम लोग क्या करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हम लोग देते जाएंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लोग चाहें तो कहीं पे भी ब्रेक लगा सकते हैं, जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं। क्यों, हमने यहाँ पे क्या किया कि सिक्स फैक्टोरियल को सिक्स इंटू फाइव, फाइव पे हमने इस तरह से समझो कि फैक्टोरियल एक क्या है, ब्रेक है, तो हमने ब्रेक लगा दिया यहाँ। अब ब्रेक कब लगाना, जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से ब्रेक लगाएं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट थिंग्स क्या है, अब इस ब्रेक का क्या फ़ायदा, जैसे अगर मान लेते हैं आपको सिक्स फैक्टोरियल अपॉन क्या दिया गया, फाइव फैक्टोरियल, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसा थोड़ी ना करोगे कि छः इंटू फाइव, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, और फिर फाइव को भी लिखना स्टार्ट कर दिए फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इतना लिखोगे इतना टाइम भी आपको लगेगा, है ना। अलग बात है कि आपको बाद में दिख जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही दिख रहा है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन देखो हम लोग क्या करेंगे, इतना हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। देखो सिक्स हम लोग क्या बोले कि सिक्स इंटू एक्चुअली फाइव लिखते हैं, और हमने फाइव में चाहते क्या, ब्रेक लगाने का। क्यों, क्योंकि फाइव फैक्टोरियल हमारे पास नीचे, ये दोनों आपस में क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है, तो बस हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर ब्रेक लगा सकते हैं, ये दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, बस हम लोग क्या बोल देंगे कि कितना किसके इक्वल आ गया, सिक्स के इक्वल आ गया। क्लियर हुआ क्या, चलो ठीक है। नेक्स्ट थिंग्स क्या, हम लोग कुछ कुछ इस पर बेस्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखो अगर आपके पास n फैक्टोरियल है तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि n इंटू एन माइनस वन, बस एक यूनिट से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, इंटू क्या बोलेंगे, इंटू ये डॉट का जो साइन दे रहे हैं मल्टीपल का साइन है, इस ध्यान रखना आपको, ठीक है, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट डॉट कहाँ तक, थ्री इंटू टू इंटू वन। क्लियर हो गया, चलो देखो, तो बस क्या बोले कि n फैक्टोरियल, जैसे समझो
और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि n की जगह हमेशा कैसा नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, है ना। n की जगह क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, राइट, ये ध्यान रखना है आपको। चलो देखो n फैक्टोरियल देखो, अगर हम हमारे पास मान लेते हैं n फैक्टोरियल है और आप चाहते हो क्या नहीं कि n माइनस वन पे ब्रेक लगाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, n माइनस वन तक जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, क्लियर है क्या, n माइनस वन पे ब्रेक लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट थिंग देखो, अगर आपके पास है मान लेते हैं क्या n प्लस वन फैक्टोरियल है, ठीक है, आप क्या लिखोगे सबसे पहले फर्स्ट टाइम n प्लस वन इंटू, बस एक यूनिट सब्सट्रैक्ट कर लो, क्या आ जाएगा n, अब n पे चाहते हो ब्रेक लगाना, ब्रेक लगा लो, कोई समस्या नहीं, क्लियर है क्या। चलो देखो नेक्स्ट थिंग्स, अगर आपके पास मान लेते हैं वन इंटू टू इंटू थ्री डॉट 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 एन, एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू तक लिखा हुआ है, मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है, तो देखो एक तरह से क्या लिखा हुआ है, ये देखो कहाँ तक मल्टीप्लीकेशन है, वन से स्टार्ट हुआ एन प्लस टू तक जा रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको, हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन प्लस टू का क्या फैक्टोरियल बोल सकते हैं, क्योंकि देखो एन प्लस टू नेचुरल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, वो भी फर्स्ट एन प्लस टू जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स आएंगे उसका मल्टीप्लीकेशन है ये, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एन प्लस टू फैक्टोरियल। तो बस आपको ध्यान रखना कि ये लगातार है या नहीं, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं सारी चीज़ें, क्लियर है क्या। चलो देखो नेक्स्ट थिंग से देखो, देखो अगर आपको मान लेते हैं किसी चीज़ को फैक्टोरियल में बदलना है तो हम लोग कैसे करेंगे। चलो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करके कुछ चीज़ें जो नोट करने वाली चीज़ें होगा उसको आप नोट कर लेना, ठीक है। चलो जो प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस भी कीजिए तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। चलो देखो, तो नेक्स्ट थिंग्स हम लोग क्या देखने वाले डियर स्टूडेंट, अगर हम मान लेते हैं हमें कुछ चीज़ों को फैक्टोरियल में बदलना है तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे देखो अगर आपके पास 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 लिखा हुआ है और आपको इसको फैक्टोरियल में बदलना है तो कैसे कर सकते हैं। देखो पहला वाला जो 2 है हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2, देखो सेकेंड वाला जो 4 है उसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें क्या नहीं। 6 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 2 इंटू क्या 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो 8 को क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 2 इंटू 4, राइट 2 इंटू 4, और 10 को 2 इंटू 5, 12 को कितना 2 इंटू 6। अब देखो हमारे पास 2 एक्चुअली कितने बार मल्टीप्लाइड हो रहा है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स, क्लियर है क्या। हाँ ना, ये 6 टाइम्स हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 सेवन टाइम्स है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 6। उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, देखो यहाँ से 1 आ रहा है इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू क्या 6। अब देखो इस चीज़ को हम लोग अभी क्या बोले थे, देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे 6 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, वो भी फर्स्ट वाले, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर यानी 1 रियली 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको यही तो हम लोग बोलते हैं इसको क्या 6 फैक्टोरियल, क्लियर है क्या। चलो अब लोग नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, तो ये रहा फैक्टोरियल का बदलने का थिंग्स, कैसे हम लोग को बदलना है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें, हमारे पास क्या है नेक्स्ट थिंग्स है, कुछ हमारे पास है एक फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर्स के लिए NCR का फॉर्मूला, ये चैप्टर्स आपका परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में आता है लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। तो NCR एक्चुअली हमें क्या बताता है डियर स्टूडेंट, ये बताता है क्या कि जैसे अगर आपको मान लेते हैं N पीपुल है ना, मान लेते हैं 3 बंदे हैं, मान लेते हैं राम है श्याम है और मोहन है, ठीक है, और आपको क्या करना है कि 2 का टीम बनाना है, आपको बैडमिंटन खिलाना है इसे, ठीक है, बैडमिंटन खिलवाना है मान लेते हैं, ठीक है, और आपको क्या चाहिए 2 बंदे चाहिए इसमें से, राम श्याम और मोहन में से। तो देखो हम लोग कितने तरीके से हमारे पास कितने वेज होंगे कि हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो टीम फॉर्मेशन है वो एक एक का फॉर्मेशन होना चाहिए और इन लोग आपस में हम लोग इसका मैच करवा सकें। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ये हो सकता है कि राम और श्याम को रख लें एक साथ, राम और श्याम को एक साथ रख लें कि नहीं भाई आज चलो अब तुम लोग खेलो, राम और श्याम एक साइड राम एक साइड श्याम। अब देखो दूसरा क्या हो सकता है, राम के साथ एक हो सकता है कौन, एक मोहन भी हो सकता है, तो मोहन को भी खिलवा दिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारे पास, एक ही ऑप्शन बच गया, श्याम और क्या मोहन,
श्याम और मोहन, इनको भी आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैच करवा सकते हैं इनमें। तो देखो, तो हमारे पास देखो कितने ये आ गया, कितना वेज आ गया हमारे पास, देखो थ्री वेज आ गया राइट। अब तो यही चीज़ें हैं कि हम लोग अगर मान लेते हैं n पीपल्स हमारे पास हैं और मुझे r बंदे को सेलेक्ट करना है तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, ये हमें ये फॉर्मूला दे देगा NCR। C4 यहाँ पे ध्यान रखना है, C4 क्या होता है, कम्बिनेशन, कि कितना कम्बिनेशन बन पाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना कम्बिनेशन बन पा रहा है, आपके पास 3 कम्बिनेशन बन जा रहा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमें किससे मिलेगा, NCR का फॉर्मूला देखो हमारे पास होता है क्या, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो जो फैक्टोरियल नोटेशन अभी हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड ये फॉर्मूला है, ठीक है। और हमें ये चीज़ें कुछ बताता है, ठीक है। तो हमें क्या बता रहा है ये, कि हमें NCR हमें क्या बताता है, ये ध्यान रखना है हम लोग को क्या, कि अगर आपको 10 लोग हैं, 10 में मान लेते हैं आपको 4 लोग को सेलेक्ट कर रहा है तो कितने तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें बता देगा NCR, ठीक है। तो हम लोग काउंटिंग करके नहीं बता सकते, अगर मान लेते हैं हमारे पास 200 चीज़ें आ गया, 200 थिंग्स से उसमें से मुझे 10 चीज़ें सेलेक्ट करना है तो हम लोग सेलेक्ट करके ऑप्शन लेके हम लोग देख नहीं सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ तो चलो 3% था राम श्याम मोहन, हम लोग आराम से इजीली विजुलाइज कर पा रहे हैं सामने कि ये दोनों बंदे हमारे पास सेलेक्ट हो गए। लेकिन अगर थिंग्स आपके पास ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग कैसे कर सकते, तो हम लोग उसको कर सकते हैं किसके हेल्प से, कुछ फॉर्मूले के हेल्प से। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है। तो NCR क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ सेलेक्टिंग आर पीपल्स फ्रॉम एन पीपल्स, क्लियर है क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट इस हम लोग देखते हैं। अब देखो NCR का यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, जैसे देखो 3C2, एक्चुअली हमें कितना का टीम बनाना था, 2 का, 3 में से, तो देखो कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन फॉर्मूला क्या, ठीक है। हमारे पास n की जगह क्या है, यहाँ यही ध्यान रखना है कि n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने बोला कि फैक्टोरियल के अंदर निगेटिव चीज़ें नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, है ना। तो देखो n अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू r हो गया तो क्या हो जाएगा, कि यहाँ वाला वैल्यू अगर r मान लेते ग्रेटर हो जाता है n से तो ये निगेटिव हो सकता है, राइट। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, फैक्टोरियल के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन देखो क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। देखो हमारे पास फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। देखो 3 फैक्टोरियल भी हम लोग देखें क्या होता है, 3 × 2 × 1, राइट। और यहाँ देखो 2 फैक्टोरियल क्या, 2 × 1, और 3 − 2 दैट इज 1 आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो डियर स्टूडेंट 2 × 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना जा रहा है, 3। तो देखो हमारे पास अगर 3 बंदे हैं उसमें से अगर 2 को सेलेक्ट करना है तो हमारे पास कितने वेज होंगे, 3 वेज होंगे, क्लियर है क्या। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, कुछ और कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे 5C2 है, तो देखो 5C2 कितना हो जाएगा, 5C2 देखो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल × 5 − 2, राइट, n माइनस r, यहाँ पे r लिखते हैं, यहाँ n लिखते हैं, n लिख दिए, 5 − 2, है ना। तो 5 − 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट कर लो, कोई समस्या नहीं है, 5 × 4 × 3। अब देखो 3 पे हमने बोला था कि आपकी इच्छा है कि ब्रेक लगाना चाहते तो लगा दो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास नीचे 3 फैक्टोरियल है तो हमने ज़्यादा बेटर ये है कि हम लोग 3 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट आपस में कर लें, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 × 1, और ये रहा 3 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट हो गया। और 2 से देखो इसको भी हम लोग फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 × 2 दैट इज कितना हो जाएगा, 10 हो गया, क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग चीज़ों को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है क्या। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, मूव करते हैं। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है, NCR से रिलेटेड कुछ कुछ फॉर्मूला है, कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको ध्यान में रखेंगे तभी हम लोग इस चैप्टर्स को अच्छे से डील कर पाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट थिंग्स क्या है हमारे पास, नेक्स्ट थिंग्स हमारे पास क्या है, देखो
जैसे देखो, अगर हमें ये ध्यान रखना है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज या तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मूला और फॉर्मूले रिलेटेड टू एनसीआर, ठीक है, रिलेटेड टू एनसीआर। ये सब चीज़ें आपका इस चैप्टर्स में पूरा भरपूर यूज होने वाला है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखो, पहला थिंग्स क्या है कि आप ध्यान देना कि जब भी हम लोग 10 में से मान लो कि आपको दो लोग को सेलेक्ट करना है, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे थे, जब भी आप दो लोग को सेलेक्ट कर रहे थे उसी टाइम आप 8 पर्सन को क्या कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। तो आप समझो कि अगर दो लोग को सेलेक्ट करने का तरीका हो 10 में से, या फिर 10 में से 8 लोग को रिजेक्ट करने का तरीका हो, जो नंबर ऑफ वेज आएंगे वो दोनों एक ही आने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। एन माइनस आर हमें क्या बता दिया कि अगर मैंने आर लोग को सेलेक्ट किया तो एन माइनस आर लोग को उसी समय क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों इक्वल आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग आर लोग को सेलेक्ट किए तो एन माइनस आर लोग को रिजेक्ट भी तो किए उसी टाइम। क्लियर हुआ क्या? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो इसमें ये चीज़ और ध्यान रखना कि एन सी जीरो और एन सी एन दोनों सेम रहेगा, कि जीरो लोग को सेलेक्ट करना या फिर एन लोग को सेलेक्ट करना। जीरो लोग को सेलेक्ट करना का मतलब है सबको क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। एन बंदा था, एन में से एन को ही हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, एक ही तरीका तो हो सकता है कि मैंने सबको क्या कर दिया, एट ए टाइम रिजेक्ट कर दिया। या एन में से एन को सेलेक्ट करना है तो एन को मैंने पूरा को सेलेक्ट कर लिया, 10 में 10 को सेलेक्ट कर लिया। हमारे पास कितने तरीके हुए, ओनली वन। तो राइट रखना, इसका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, राइट। आप देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूला के हिसाब से एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल और एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। तो देखो क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1, एन माइनस जीरो मीन्स कितना, एन हो गया एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखना कि एन सी जीरो एन सी एन जहाँ आ जाए हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखने वाले, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट थिंग देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 रहा, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 रहा, तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे देखो आर प्लस 1 है, देखो ऊपर दोनों जगह सेम होना चाहिए, एन एन, यहाँ आर है तो यहाँ आर प्लस 1, इससे जस्ट एक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आर है तो यहाँ आर प्लस 1, तो जब भी रहे तो फॉर्मूला लग जाएगा और किस में लगेगा, जो ज़्यादा वाला है यानी आर प्लस 1। आपको नीचे देखना है आर प्लस 1 किस में है, यहाँ पे समझो। तो यहाँ आर प्लस 1 वाले में ऊपर में क्या हो जाएगा, आर प्लस 1 तो लिखेंगे, कॉपी करना है आपको इसको, और ऊपर क्या लिख देंगे, एन प्लस 1, बस यही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे देखो अगर आपको मान लेते 6c1 प्लस क्या मिल गया, 6c2, ठीक है, प्लस क्या मिल गया, 6c2 प्लस आपको क्या मिल गया, 7c3, तो हम लोग कितना लिखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या हो रहा है, पहले वाले में क्या हो रहा है, देखो यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या है, 2 है, क्या बोले, यहाँ 1 है, यहाँ आर है तो यहाँ आर प्लस 1, एक ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 है तो यहाँ पे 2 ज़्यादा है। अच्छा देखो यहाँ पे दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम 6, तो यहाँ भी 6, चलो ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला किस में लगाना है, आर प्लस 1 वाले में, ज़्यादा वाले में, यहाँ 2 है तो C2 तो कॉपी करना ही है, ऊपर वाले में कितना ऐड करना डियर स्टूडेंट, 1 ऐड कर देना, 6 प्लस 1 दैट इज कितना हो जाएगा, 7, प्लस कितना हो गया, 7C3 हमारे पास ऑलरेडी है। अब देखो 7C2 प्लस 7C3 हम लोग इसको इसके इक्वल लिख दिए, ये चीज़ें इसके इक्वल आ गया, 7C2 के इक्वल आ गया, प्लस क्या है, 7C3। फिर से देखो फॉर्मूला लग जा रहा है, यस, क्योंकि देखो यहाँ दोनों जगह सेम होना चाहिए, देख गया सेम 7 7, और एक ज़्यादा होना चाहिए, 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो लग जाएगा फॉर्मूला, कैसे किस में लगेगा, 3 वाले में, तो 3 वाले में लगा दिए, 7 में ऊपर वाले में कितना है, 1 ऐड हो जाता है, 1 ऐड कर दिए, तो 7 प्लस 1 दैट इज़ 8। तो इसका वैल्यू हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे पूरे का, किसके इक्वल आ जाएगा, 8C3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये देखो कितना, ये कितना लंबा सा 3 था, इसको हम लोग किसके इक्वल कर दिए, बस 1 के इक्वल कर दिए, किसके इक्वल आ गया, 8C3।
तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो हम लोग क्वेश्चंस को लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो आज तो बस आपका बेसिक के लिए क्लास रहेगा। चलो ठीक है, ये चीज़ें हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट थिंग्स देखो, थर्ड वन हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना है, रेशियो ऑफ कंजुकेटिव कोफिशिएंट। देखो जैसे अगर मान लेते हैं आपको एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस वन का फॉर्मूला पूछा जाए, एनसीआर अपॉन एनआर प्लस वन, देखो यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे रेशियो में है, हाँ अपॉन डिवीजन में चला गया। तो इसको फॉर्मूला लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा एन ऊपर और नीचे दोनों सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एन एन दिखना चाहिए और एक ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ आर है तो यहाँ आर प्लस वन, कंजुकेटिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, यहाँ आर है तो यहाँ आर प्लस वन होना चाहिए। तो देखो फॉर्मूला कैसे चलता है, देखो यहाँ पे आर प्लस वन है तो आर प्लस वन ऊपर चला जाएगा उठ के, ठीक है, आर प्लस वन ऊपर के चला गया, और ऊपर वाले में एन में आर है, एन सी आर लिखा हुआ तो एन में आर सब्ट्रैक्ट कर देना, आर एन माइनस आर लिख देंगे, क्लियर है क्या। चलो समझ में आया। तो ये रहा बेसिक्स फॉर्मूले, जो आपको ये तीनों फॉर्मूले तो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थिंग्स है हमारे पास क्या, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, राइट। कुछ क्वेश्चन जैसे देखो, बहुत ही सिंपल सा चीज है, हम लोग क्वेश्चन कुछ देखेंगे। जैसे देखो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया क्या कि फाइंड करो एन सी टू इक्वल टू दिया है 10 और यहाँ पे लिखा रहेगा फाइंड एन, एन फाइंड कीजिए, क्वेश्चन है फाइंड एन इफ एन सी टू इक्वल टू 10, तो कैसे गेट करना है। वेयर आपको दिया रहेगा कि एन हमेशा क्या होना चाहिए, यहाँ पे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, एन सी टू वही होना चाहिए, तभी तो हो सकता है। चलो देखो जब भी एन सी आर वाली टर्म्स आ गया तो एन हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर ही होना चाहिए, तभी हम लोग ये चीज़ें वैलिड हो सकता है, जितने भी हम लोग सारी चीज़ें फॉर्मूला देखें तभी वैलिड हो सकता है। एन सी टू इक्वल टू 10 आपको दे रखा है, तो देखो फॉर्मूला लगा दो, हम लोग क्या पढ़े अभी, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, मतलब आर की जगह क्या है 2 है, 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10, हो गया। अब देखो एन फैक्टोरियल हमारे पास है, अब देखो हमारे पास यहाँ नीचे क्या है एन माइनस 2, और एन फैक्टोरियल अभी हमने बोला कि आप चाहो क्या कर सकते हो, एन में 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और माइनस करते करते बीच में क्या देना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्या हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 फिर एन माइनस 2। अब यहाँ पे आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि हमारे पास दिख गया कि नहीं नीचे हमारे पास एन माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे ब्रेक लगाने से मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने ब्रेक लगा दिया, हमारे पास 2 फैक्टोरियल है, इसका वैल्यू क्या हो गया 2 इंटू 1 और यहाँ n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो गया 10। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया क्या, यस कैंसिल आउट कर दिए, हमारे पास क्या बच गया n इंटू एन माइनस 1 मीन्स एन स्क्वायर माइनस 1 है ना, और अपॉन क्या 2 इक्वल टू 10। बस फर्दर देखो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू 20, तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 20 इक्वल टू 0 हो गया। अब बस देखो हो गया काम, एन स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे इसको 5n प्लस एन माइनस 20 इक्वल टू 0, 4n माइनस क्या करेंगे सॉरी 5n प्लस क्या कर देंगे 4n, तभी तो आएगा, देखो 5n माइनस का प्लस 4n आ जाएगा माइनस एन, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये तो देखो हम लोग क्या हो गया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का ये क्वेश्चन है क्लास नाइन्थ का, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या आ जाएगा कॉमन, एन एन माइनस 5 प्लस 4 एन माइनस 5 इक्वल टू 0। फर्दर देख रहे हैं क्या आ जाएगा, एन माइनस 4 इंटू सॉरी एन प्लस 4 इंटू एन माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एन का वैल्यू आ रहा है एक माइनस 4 एक 5, क्या देखो माइनस 4 नेचुरल नंबर है नहीं तो ये नेगलेक्ट करना है, तो हमें दिख गया कि एन की जगह कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। ओके तो एन की जगह पे क्या हो गया 5 हो गया। ये रहा पहला क्वेश्चन जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, जो बहुत ही
जरूरी है और ये बेसिक्स आपको सिखाएगा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कुछ करके देखना, एनसीईआरटी से भी आप चाहो तो। ये क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेगा? अभी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के चैप्टर्स में आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में आप चाहो तो कुछ अदर बुक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, तो नेक्स्ट थिंग्स क्या है हमारे पास, ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास NCX इक्वल टू NCY दिया हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप ले सकते हो X इक्वल टू Y, या तो आपका क्या होगा X प्लस Y इक्वल टू क्या होना चाहिए, N के इक्वल होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। कैसे? अभी हम लोग देखें कि हमारे पास NCX इक्वल टू क्या हो सकता है, NCN माइनस Y हम लोग बोल सकते हैं इस चीज़ को। अब देखो इट मीन्स क्या हो गया, एक्स इक्वल टू एन माइनस वाई, तो यहाँ से फर्दर हमारे पास क्या जा रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। और दूसरा वाला रिलेशन वाला एक्स इक्वल टू वाई कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एन है यहाँ भी एन है, यहाँ एक्स और यहाँ, ये दोनों को इक्वल या तो हो जाना चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए, एन सी एक्स का वैल्यू एन सी एन माइनस वाई के इक्वल हो जाना चाहिए। तो वहाँ से हम लोग क्या गेट कर रहे हैं कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू या तो एन हो जाए या फिर एक्स इक्वल टू वाई हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, तो नेक्स्ट इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। जी देखो, अगर आपको दिया हुआ है NC2 इक्वल टू NC6, ठीक है, क्वेश्चन में इफ NC2 इक्वल टू NC6 फाइंड n, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2 इक्वल टू 6 हो सकता है क्या, पहला कंडीशन चेक किया कि x इक्वल टू y, तो 2 इक्वल टू 6 हो सकता है, नहीं। मीन्स डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं कि 2 प्लस 6 इक्वल टू क्या होना चाहिए, n। तो मुझे दिख गया कि n के जगह पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यानी 8 यहाँ अगर रखेंगे तो 8 C2 का वैल्यू और 8 C6 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि अगर 8 में से मैं दो लोग को सेलेक्ट करूँगा तो उसी टाइम एट इट दैट टाइम हम लोग क्या कर रहे होंगे, 6 लोग को भी क्या कर रहे होंगे, रिजेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों को इक्वल होनी चाहिए, जो दो नंबर ऑफ वेज हैं ऑफ सेलेक्टिंग 2% आउट ऑफ 8 persons मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्टिंग 6% आउट ऑफ 8%, ओके। तो नेक्स्ट थिंग्स क्या है हमारे पास, देखो ये कैसे आया, हम लोग बोल सकते हैं इसको NCR इक्वल टू NC-R होता है, N-R, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं N-2 इक्वल टू NC6। अब ये दोनों क्योंकि ऊपर अगर सेम है तो ये दोनों वैल्यू भी सेम होने चाहिए, यानी N-2 इक्वल टू 6, तो यहाँ देख रहे हैं N इक्वल टू क्या आ गया, 8। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, या तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग्स हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है, इस चैप्टर्स में पूरा यूज होने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। चलो देखो नेक्स्ट थिंग्स हमारे पास क्या है, जैसे देखो अगर आपको मान लेते कभी पूछ लिया नहीं 6C3/6C4 का रेशियो बताइए क्या हो जाएगा, आप अलग अलग से कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग देखें फॉर्मूला कि NCR/NCR+1 अगर हो गया तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा R+1 और ऊपर वाले में घट जाएगा N-R, इसके इक्वल होना चाहिए। तो बस देखो यहाँ पे क्या है, ये 3 है ये 4 है, कंजुकेटिव होना चाहिए, एक ज़्यादा होना चाहिए नीचे वाला, तो बस 4 लिख देंगे अपॉन 6-3 N-R, तो 4 अपॉन क्या हो गया 3, डायरेक्टली आंसर हम लोग बोल देंगे। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है हम लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। चलो अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग आपके लिए इस थ्योरम को लेके आएंगे। हमारा आज बेसिक का लेक्चर हुआ, तो बेसिक आज ओवर लगभग हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाइनोमियल थ्योरम्स को मूव कर जाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम्स की ओर मूव कर जाएंगे, राइट। बस आप लोग के लिए भी कुछ टास्क में छोड़ के चला जाता हूँ, इसको चलो आप कैलकुलेट करके रखना, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट थिंग्स क्या है, आप बताना, आप चाहे तो कमेंट करके भी बता सकते हो कि कितना आ जाएगा। जैसे देखो अगर आपके पास मान लेते हैं कुछ ऐसा मिल जाए NC, जैसे आपको दिया जाए कि नहीं फाइंड n इफ NC3 इक्वल टू NC6, राइट। ये पहला क्वेश्चन है, ये आपको करके रखना है। नेक्स्ट थिंग्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 8C3 = 8C4, मान लेते कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया गया, राइट।
इस तरह की चीज़ें आपको कैलकुलेट करके रखना है। चलो तो आज के लिए आप लोग के लिए टास्क यही है, ये दोनों आप करके रखिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्या पूरा, लगभग हम लोग उसमें कवर कर लेंगे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का कवर हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे और क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अगर रेगुलर आप वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल से तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आपको रेगुलर वीडियो हमारा जाएगा, साथ भी हम लोग दो टीचर्स हम लोग भी वीडियो डाल रहे हैं। अभी कुछ दिनों में आपके पास सारी वीडियोस जाने लगेंगे सारे सब्जेक्ट के, ईच सब्जेक्ट के, ठीक है। और प्रोजेक्टर के हेल्प से भी आपको जो जिसमें जिस चैप्टर्स में रिक्वायरमेंट होगा उसके हेल्प से भी हम लोग आपको वीडियो देने वाले हैं, राइट। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।